अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं? नहीं जी, मैं दरियाए सतलुज के बेड पे खड़ा हूँ। ये दरियाए सतलुज के बिल्कुल समझ लें कि दरियाए सतलुज के अंदर खड़ा हूँ। वो जहाँ पर आपको दूर नज़र आ रहे हैं ना मकानात वगैरह, वहाँ तक दरिया होता था, तो अब कोई कहानी नहीं है। अब इस टाइम जो है ना दरिया, आप ये कह लें कि गंदे जोहड़ का मंजर पेश कर रहा है। कोई पानी का कतरा भी नहीं आ रहा। जिस तरह जोहड़ के अंदर पानी खड़ा होता है ना, इस तरह पानी खड़ा है। ये देखें, ये सर जोहड़ में पानी खड़ा होता है ना, ये दरिया का पानी खड़ा है, बिल्कुल चल नहीं रहा, पानी पीछे से ख़त्म है। ये दरिया सतलुज की भाजी, ये सूरत हाल है। यहाँ पे क्या फसलें होंगी और क्या लोग यहाँ से उगाएंगे और क्या करेंगे? ये मैं खड़ा हूँ इस टाइम बुरे वाला और चिश्तियाँ के सेंटर जो है ना जगह पे, दरमियानी जगह पे। ये जिस साइड पे ये प्लेटें लगी नज़र आ रही हैं, सूरज ग्रूब हो रहा है, ये बुरे वाला वाली साइड है। यहाँ से ये कश्ती के जरिए अगर क्रॉस करता हूँ तो मैं बुरे वाला जा सकता हूँ। कच्ची पक्की और बुरे वाला आ जाता है, और इस साइड पर जो है ना ये चिश्तियाँ शरीफ आ जाता है। दरिया का पानी कोई नहीं, गवर्नमेंट कंट्रैक्टर लगे हुए हैं यहाँ से रेत निकाल रहे हैं दरिया से, ट्रालियाँ भर भर के रेत की लेके जा रहे हैं। रोड बन रहा है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। ये आपके सामने है, पानी खड़ा हुआ है बिल्कुल, ये देख रहे हैं, एक इंच पानी नहीं है। जो है वो सिर्फ जोहड़ों की सूरत में खड़ा हुआ है। इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग। इंडिया वालों ने बिल्कुल बंद बना के अपना काम सेट कर लिया और पाकिस्तान को बिल्कुल फारे करा दिया है। फसलों की कोई कहानी नहीं है। पानी होगा तो फसलें होंगी। फिर कहते हैं जी फूड सिक्योरिटी पे बात करें, फूड सिक्योरिटी कटा बात करें, हर चीज़ का काम इन्होंने फारे कर दिया। यहाँ पे दरिया सतलुज के दरमियान में खड़ा हूँ मैं।